हे गाइस हाय, आपके लिए गुड न्यूज़ है। ऑफिशियली आज से रोल आउट हो चुका है आपका BS6 फ्यूल। हमारे जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है उनके पेट्रोल पंप्स पे आपको मिलना स्टार्ट हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मोर देन 20,000 पेट्रोल पंप्स हैं अक्रॉस इंडिया। आपको हर जगह मिल जाएगा BS6 फ्यूल। यानी कि अगर अभी तक आप कन्फ्यूज थे, आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है जो BS6 है, लाइक आपका फोर्ड इको स्पोर्ट्स का BS6 मॉडल, आपके MG हेक्टर का BS6 मॉडल, किया सेल्टोस का BS6 मॉडल, आपका होंडा क्रेटा का BS6 मॉडल, आपको हर गाड़ी के लिए मिल जाएगा BS6 फ्यूल। आपको बस जाना है अपने नियरेस्ट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पेट्रोल पंप पे। इसके अलावा ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं दी है बाकी फ्यूल मेकर्स ने, लाइक हम SR की बात करें, हम BPCL की बात करें, बट हमें उम्मीद है जल्दी ही विद इन अ वीक वो लोग भी रोल आउट करने वाले हैं। कुछ जगह पे इनफैक्ट हो भी चुका है। तो अब हम बात करें, आपके पास अगर BS6 गाड़ी है एंड वहां पे आपको नहीं मिल रहा BS6 फ्यूल, या लाइक वहां पे आपको नहीं मिल रहा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का पेट्रोल पंप, देन आपके पास ऑप्शन है टाइम बिंग विद इन लाइक टिल एक दो हफ्ते तक डालने के लिए आप उसमें एक्स्ट्रा माइल या फिर पावर का फ्यूल डाल सकते हो। गाड़ी की परफॉर्मेंस पे कुछ वर्क नहीं पड़ने वाला। अब हम बात करें, अगर आपके पास कोई BS4 गाड़ी है यानी कि पुराना मॉडल है, उसमें BS6 फ्यूल डालने पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ने वाला जी, बिकॉज आपका जो BS6 फ्यूल है उसमें सल्फर की मात्रा कम है, वो बेटर रिफाइंड ऑयल है। तो आप अपनी एग्जिस्टिंग गाड़ी के अंदर यानी पुरानी गाड़ी के अंदर जो BS6 कॉम्प्लाइंट नहीं थी उसके अंदर भी आप इस ऑयल को डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब आप BS6 गाड़ी के अंदर BS4 फ्यूल डालोगे, उससे भी कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला कि तुरंत आपकी गाड़ी बंद हो जाए या कुछ ऐसे फर्क पड़ जाए। बट हाँ, गाड़ी का जो वेयर एंड टियर है इंजन का वो बढ़ जाएगा अगर आप BS6 गाड़ी के अंदर BS4 फ्यूल डालते हो। तो ध्यान रखिएगा, आपके एरिया में अगर इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है अब वहां पे जाकर के BS6 फ्यूल डलवाइए आगे से। अक्रॉस इंडिया ऑलरेडी फ्यूल उपलब्ध हो चुका है। अगर आपको नहीं मिलता, आपके एरिया में नहीं है इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, तो आप उसमें एक्स्ट्रा माइल या पावर का फ्यूल डलवा सकते हो। बाकी सारे जो वेंडर्स हैं आपके और लाइक मेकर्स हैं ऑयल के, वो भी रोल आउट करने ही वाले हैं, विद इन अ वीक वो हो जाएगा। ये थी आपके लिए न्यूज। बाकी आप किसी भी न्यूज़पेपर में चेक कर सकते हो, 1 अप्रैल डेडलाइन सेट की गई थी बाय इंडियन गवर्नमेंट एंड डेडलाइन पूरी कर दी है, मिट हो चुका है। लाइक जो टारगेट सेट था बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वो अचीव कर चुके हैं टारगेट अपना, आपको आज से मिलना स्टार्ट हो चुका है। कोई भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन है, आप मेरे से पूछ सकते हो। आपके रेफरेंस के लिए मैंने ऑलरेडी न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स वगैरह इस वीडियो के अंदर ही आपके रेफरेंस के लिए लगा दिए हैं। मैं था आपका होस्ट आलोक सिंह। अगर आपने हमारे वीडियोस को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार से कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए मैं ऐसे ही कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन ऑटोमोबाइल अपडेट्स लेके आता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।